हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 14 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि अभी तक आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द फोर्थ आईओटी इंडिया कांग्रेस, एन इवेंट विच विल सी डिजिटल टेक्नोलॉजी लीडर्स कन्वर्ज टू डिस्कस एंड एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन मैन स्ट्रीमिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी विल बी हेल्ड इन बेंगलुरु इन अगस्त 2019। चौथी आईओटी भारतीय सम्मेलन एक ऐसा कार्यक्रम है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के नेताओं को चर्चा करने और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मुख्य धारा में व्यवसाय के अवसरों की ओर ले जाता है, जो अगस्त 2019 में बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, आफ्टर एन 8 ईयर लॉन्ग प्रोसेस इरोड ट्यूमरिक ऑफ तमिलनाडु फाइनली गोट ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। 8 वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद अप्रदित हल्दी तमिलनाडु का को आखिरकार भौगोलिक संकेत पंजीकरण से भौगोलिक संकेत GI टैग मिल गया है। नेक्स्ट, द दिल्ली गवर्नमेंट डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन DDC ए थिंक टैंक दैट एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन की इशूज has set up a 17 members high level committee to reform higher education in the capital. The committee will be chaired by DDC vice chairperson Jasmine Shah. Nalanda 2.0, a non-profit policy think tank, is collaborating with the DDC as the knowledge partner in the initiative. दिल्ली सरकार के डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमीशन एक विचारक समूह है जो प्रमुख मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। ने राजधानी में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक 17 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता DDC के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह करेंगे। समिति 1 वर्ष के भीतर दिल्ली की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लक्ष्यों, मैट्रिक्स, नीति और कार्य योजना की सिफारिश करेगी। नालंदा 2.0 एक ऐसा गैर लाभकारी नीति विचारक समूह DDC के साथ पहल में नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की बात की जाए तो एक्सिस बैंक हैज अपॉइंटेड राकेश मखीजा एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। द 67-year-old हु हैज सर्व्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द लैंडर्स बोर्ड सिंस अक्टूबर 2015 will take over from Sanjeev Mishra when his term ends on July 17. Axis Bank ने राकेश मखीजा को 3 वर्ष की अवधि के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 67 वर्षीय राकेश मखीजा ने, जिन्होंने अक्टूबर 2015 से ऋणदाताओं के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है, 17 जुलाई को संजीव मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर सी ललसवता वाज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड लोकायुक्त इन मिजोरम। ही वाज एडमिनिस्ट्रेटेड द ऑथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी बाय द न्यूली अपॉइंटेड मिजोरम गवर्नर जगदीश मुखी इन ए स्वेरिंग इन सेरेमनी हेल्ड एट राजभवन इन आइजोल। मिजोरम में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सी लाल सावता ने नवगठित लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।
उन्होंने आइजोल में राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मिजोरम के राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज, व्यापारिक और आर्थिक समाचारों की। HDFC बैंक लिमिटेड क्रॉस्ड द 6 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, मेकिंग इट ओनली द थर्ड इंडियन फर्म आफ्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL टू अचीव द माइलस्टोन। HDFC बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद पहली बार 6 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण सीमा को पार कर लिया, जिससे वह केवल तीसरी भारतीय कंपनी बनकर मील का पत्थर सफलता हासिल की है। नेक्स्ट, मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI विदड्रॉ द 20% लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाई फॉरियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स ऑफ एन एंटिटी। द रेगुलेटर स्टेटेड दैट द रेस्ट्रिक्शन इज बीइंग विदड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद ए सर्कुलर इश्यूड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने एक कंपनी के कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश पर 20% की सीमा को हटा दिया है। नियामक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार सीमा हटाई जा रही है। और नेक्स्ट, और बात करते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। 2019 ऑल इंग्लैंड ओपन ऑफिशियली योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 वाज ए BWF वर्ल्ड टूर 1000 इवेंट विच टुक प्लेस एट एरिना ब्रिंगम इन इंग्लैंड फ्रॉम 6 to 10 मार्च 2019। इट हैड ए टोटल पर्स ऑफ 1 लाख रुपीज डॉलर। 2019 ऑल इंग्लैंड ओपन आधिकारिक तौर पर योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 एक BWF वर्ल्ड टूर का 1000 इवेंट था जो इंग्लैंड के एरिना बर्मिंघम में 6 से 10 मार्च 2019 तक हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, यंग मुंबई सेलर उपमन्यु दत्ता बैग्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द लेजर स्टैंडर्ड रेस फॉर मैन इन द लेजर एशियन सेलिंग चैंपियनशिप विच कंक्लूडेड इन सिंगापुर। द यंग सेलर सेल्ड सुपर ब्लाई टू गेन इंडियाज फर्स्ट इवर मेडल इन द कंपिटिटिव सिंगल हैंडेड लेजर स्टैंडर्ड कैटेगरी। नेथ्रा कुमानन ऑफ चेन्नई अचीव्ड ए क्रेडिटेबल फोर्थ पोजिशन इन द लेजर रेडियल इवेंट फॉर वुमेन। युवा मुंबई नाविक उपमन्यु दत्ता ने सिंगापुर में होने वाली एशियाई लेजर नौचालकों की चैंपियनशिप में पुरुषों के लेजर स्टैंडर्ड रेस में कांस्य पदक हासिल किया। युवा नाविक ने प्रतिस्पर्धी एकल हाथ वाले लेजर स्टैंडर्ड श्रेणी में शानदार रूप से तैराकी कर भारत का पहला पदक हासिल किया। चेन्नई की नीथरा कुमनन ने महिलाओं के लिए लेजर रेडियल इवेंट में वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।